तेबे अलकालांबा आज एक प्रेसमिट करुछंती कौन कहुछंती प्रेसमिट रे आसन सुनिबा। आरक्षित सीटों पर उड़ीसा विधानसभा का चुनाव लड़ रही होती, लेकिन आज की कार्यकारिणी में मेरी बहुत सी बहनों ने हाथ खड़ा करके बताया कि वो विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली वापस लौटते ही इन बहनों के मजबूत दावेदारी के लिए मैं पार्टी के हर स्तर पर लड़ूंगी। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये विधायक सांसद बनेंगी स्वाभाविक है। फैसले लेने के लिए कलम इनके हाथ आएगी, जब कलम इनके हाथ आएगी इस आधी आबादी के हाथ में, तो इनके साथ हो रहे सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, इन सब की लड़ाई हम लड़ पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी पे खड़ी है। नारी न्याय के तहत हम आज चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं ने सबसे अधिक 18 राज्यों के दौरे करके मैं पिछले 40 दिन में यहां पहुंची। हर महिला आर्थिक न्याय की बात कर रही है, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रही है कि महिलाएं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। हर महिला दो वक्त का रोटी गुजारे के लिए काम मांग रही है, आर्थिक सशक्तिकरण। हमने फैसला किया है महिला कांग्रेस छोटे छोटे समूह बनाकर हर महिला को घर में बैठे बैठे काम देगी, ताकि हर बहन देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निभा सके, अपने साथ गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जो अन्याय उनसे लड़ सके। बहुत सी बहनों ने बताया इस चर्चा में कि महिलाओं के प्रति अपराध उड़ीसा में बड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अगर 10 लाख से अधिक बेटियां लापता हुई हैं, तो उसमें उड़ीसा पीछे नहीं है। उड़ीसा के खास तौर से आदिवासी इलाकों से बेटियां लापता हैं, थानों में उनकी FIR है, माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, पर उड़ीसा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई उन बेटियों का पता लगाने में और माँ बाप को सुरक्षित बेटियां सौंपने में। 35% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मिशन शक्ति फेल हुआ है, आज उसी को हमने देखा कि किस तरह से उड़ीसा के कोने कोने से बहनें आई, मिशन शक्ति की पोल खोल रही थी। जो दावे सरकार कर रही है उन दावों को उन्होंने झुठलाया है कि महंगाई में राहत नहीं, बेरोजगारी में कोई राहत नहीं, महिला सुरक्षा के मामलों में रोजाना उड़ीसा में 7 बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार हो रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कानूनी सलाह वकील मुहैया कराने में सरकार फेल हुई इन बेटियों को, अदालतों में चक्कर काट रहे और न्याय नहीं मिल रहा है। शराब नशे की बात कहें तो नशे में जानकारी आई है कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू शराब बेचकर 368% बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपने खजाने शराब को बेच के भर रही है। बहन बेटियों ने कहा है ये शराब उनके घर बर्बाद कर रही है। वर्तमान समूह